नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त देशभक्ति भावना से समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय विकास व आवास राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं पुलिस परेड ग्राउंड पर मुख्य समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भीड़े सहित पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर गुजरात के बनासकांठा से है, जहां जिला कलेक्टर ने अंबाजी में जरूरतमंद परिवार की मदद की है। आपको बता दें कि शक्तिपीठ अंबाजी के एक इलाके में एक गरीब परिवार रहता है, जिसमें सिर्फ दो लोग हैं, दादी व पोती, और कोई उनके घर में कमाने वाला नहीं है। घर की माली हालत को देखते हुए जिला कलेक्टर ने गरीब परिवार की सुध ली और उनसे मुलाकात कर उनकी सहायता की। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के इरफान कुरैसी नामक युवक ने परिवार की सहायता के लिए कलेक्टर व एक बिल्डर से इसकी बात की, जिसके बाद बिल्डर ने बच्ची के लगन तक खर्च उठाने का वादा किया। वही कलेक्टर और इरफान कुरैसी ने कृष्णा बनकर गरीब सुदामा की सहायता की है, जो सराहनीय पहल है। हमने कलेक्टर साहब हमने फोन करो अने हमने कई ने हमने संपर्क मारा थी थयो अने हमने आ केस ने अंदर पूरे पूरो रस जगाड़ी अने पूरी पूरी मेहनत करी ने आ छोकरी ने आज एने लाभ अपायो छे अने माता पिता पालक जन आ छोकरी ने दर महीने 3000 रुपया अने जे वर्षना 36000 रुपया थाय छे एवो एक लाभ अपायो छे अने एक दाता पण गोती आप्या छे मैणा साहेबे। ए दातानुं नाम छे भरतभाई पटेल करीने छे, ए पालनपुरना छे, बिल्डर छे। एमने एवुं कीधुं छे के आ दीकरीने ભણવા માટે MBBS ભણવું હોય તો તે માટેનો પણ લાભ એ દીકરીને આપવા તૈયાર થયા છે અને ત્યાં જે પણ ખર્ચો હોય ભણવા માટેનો એ ઉપાડવા તૈયાર છે અને એ દીકરીના લગ્ન માટે પણ એ ખર્ચો આપવા તૈયાર થયા છે। પ્રેઝન્ટ્સ બાય રામજી ફૂડ્સ જિસમે સ્વાદ હે ભરપૂર। રાજસમંદ કે કુવારિયા થાના ક્ષેત્ર મે લગાતાર 72 ઘંટો સે સિલસિલેવાર લૂંટ કી વારદાતે હો રહી હૈ। ગોરતલબ હૈ કે 4 દિન મે બદમાશો ને 2 લૂંટ કી, जिनमें से दोनों वारदात में आरोपी भाग छूटे, जबकि दो बार वारदातें कर ली गई। ये दोनों वारदातें खंडेल व पदमपुरा के आसपास हुई है। पहली वारदात में महिलाओं के कपड़े पहनकर आए बदमाश एक टोल कर्मी से और दूसरी वारदात में 3 बदमाश बुजुर्ग से धक्का मुक्की करके सोने की मरकियां लूट कर ले गए। थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में घटना को लेकर जो डर व्याप्त है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पिछले 72 घंटों में जो 2 घटनाएं हुई है उनका पैटर्न लगभग एक सा है और ये जो कार्य प्रणाली है हम इसको सॉर्ट आउट करने की तैयारी की। हमने कुछ बदमाश ऐसे हैं जो जेल से छूट कर के बाहर घूम रहे हैं, उन पर हम ध्यान लगा रहे हैं और जल्द ही दोनों को ट्रेस करके और मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के अचनेरा पंचायत में रास्ते के विवाद को लेकर उपखंड अधिकारी सीमा खेतान व तहसीलदार सुरेंद्र जाटव ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण ने बताया कि निजी अराजियत में स्वयं के आने जाने का रास्ता निजी बना रखा है, जो कि हम प्रार्थीगण ने चालू किया है, जबकि पुराना रास्ता बिला नाम नंबर 205, 220, 211, 221, 215, 230, 91 व 102 में होकर निकल रहा है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों ने 205 में दीवार बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण कुछ किसान हमारी निजी आराजी में आकर हमें परेशान कर रहे हैं और आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। प्रेजेंट्स बाय रामजी फूड्स जिसमें स्वाद है भरपूर। प्रतापगढ़ में मेवाड़ ज्योतिष परिषद उदयपुर के तत्वाधान में 35वां काल सर्प पितृ दोष ग्रह बाधा निवारक 2 दिवसीय अनुष्ठान प्रोफेसर राज आमेटा के निर्देशन में संपन्न किया गया। आपको बता दें कि 10 विध स्नान, हेमाद्री स्नान, देवर्षि पितृ तर्पण, पंचदेव पूजन व पिंडदान तर्पण सहित अनुष्ठान संपन्न हुआ। वहीं सर्वदेव पूजन, काल सर्प शांति हवन व नाग विसर्जन के उपरांत आरती कर प्रसाद भोग किया गया। जोधपुर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा परेड का फुल यूनिफॉर्म पूर्वाभ्यास किया गया। DCP मुख्यालय राजेश मीणा ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है, जिसमें हमारी प्लाटून द्वारा एक राउंड लिया और सभी ने अच्छी परेड दिखाई है। सभी प्लाटून के बीच सामंजस्य से अच्छा है। परेड में RAC, पुलिस कमिश्नर जोधपुर, महिला पुलिस होमगार्ड, महिला होमगार्ड, NCC के कैडेट व गाइड व स्काउट की बटालियन ने पूर्वाभ्यास किया। आज हमने जोधपुर जिले में जो 15 अगस्त की परेड होने वाली है उसके उपलक्ष्य में
फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें हमारी सारी जो प्लाटून है उन्होंने एक जो पूरा राउंड है वो लिया। इसमें सभी ने अच्छी परेड दिखाई है और कल इनको पूर्ण रूप से जो परेड है उसके लिए पूरा जोश है और सभी जो प्लाटून है उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट्स बाय रामजी फूड्स, जिसमें स्वाद है भरपूर। खबर बूंदी से, जहां ग्राम पंचायत गरडदा के केवड़िया ग्राम में पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि बूंदी विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 हफ्तों से ज्यादा से पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध चल रहा है, जिसके तहत आज आदिवासी बहुल क्षेत्र केवड़िया में पूर्व मंत्री शर्मा का पुतला दहन किया गया। आदिवासी क्षेत्र में पुतला दहन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व मंत्री द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है, साथ ही पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के संरक्षण में अवैध खनन किया जा रहा है व सब आदिवासी भीलों की जमीनों पर कब्जा किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने हरिमोहन शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।